हेलो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको नर्सरी में। ये जो नर्सरी है नॉर्थ दिल्ली में बुराड़ी में सिचुएटेड है, और मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे। और यहाँ पे आपको हर तरह के प्लांट्स, आउटडोर इंडोर दोनों तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। और जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेट है प्लांट्स का, वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं। ये 100 रुपये का है? हाँ जी। ये कौन सी मनी प्लांट की तरह, क्या नाम है इसका? संगोनियम है। है संगोनियम। संगोनियम। और ये वाला? ये केवड़ा है वो। केवड़ा। और ये कितने का दे रहे हो? कौन सा? ये वाला केवड़ा जो आप बोल रहे हो, 100 रुपये का। अच्छा, दे रहे हो ये 150 रुपये का किसमिस के लिए। अच्छा, 150। पर होता ना 200। और इधर ये स्नेक्स वाला है, ये कैसे दिया? 130। इतना छोटा? हाँ जी। लो माई 300 का। और ये वाला कॉटन 200 का। सुनो, ये वाला ये तो 100 रुपए का है, थैली में मिल जाएगा 70 रुपए। और पाम ट्री कितने का दे रहे हो? ये 200 रुपए का है। ये कौन सा? ये दालचीनी। लेवन गिलास। अच्छा, क्या रेट? 40 रुपए। जलवा जैक ये कितने का? 30 रुपए का। ठीक है। लल थ्रीना 30 रुपए का। क्या नाम है? लल थ्रीना। लल थ्रीना मुरैया कितने का? 50 रुपये। 50 रुपये का। ये हैवी का सा। अच्छा, 30 रुपये का। ठीक है। केवड़ा है। ठीक है। 100 रुपये का। ठीक है। ये चाहिए? ये संसवीरा है। कितने का? 120। ये जो प्लांटर आप देख रहे हो, मैंने वहाँ से 50 रुपीज़ का उन्होंने कोट किया था, और मैंने 40 रुपीज़ का लिया है। जितने भी प्लांट्स इसमें प्लांटर में लगे हुए हैं, उनकी कॉस्ट 20 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ तक है। अगर आप हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप स्पेशल गार्डनर को ये बोल दीजिए कि वो मुझे हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट्स लग सकते हैं वही प्लांट्स दीजिए, क्योंकि सारे प्लांट्स इन हैंगिंग बास्केट्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली थी कि आप इसे कोकोपीट लगा लीजिए। कोकोपीट में क्या होता है कि क्यों लाइट वेट होती है, और वो 15 दिन तक उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। और उसकी कॉस्ट उन्होंने 250 रुपीज़ 5 kg की बताई थी। फ़िलहाल मैंने सोयल में ही अभी इनको लगा लिया है। ये मैंने वहाँ से खाद भी ली है, 5 kg का पैकेट 100 रुपीज़ में लिया है। हालांकि इसकी MRP ज़्यादा है। अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में जैसे कुछ पौधे बेचने के लिए आते हैं जिनके पास प्लांट्स प्लांटर दोनों होते हैं, आप उनसे जब भी परचेज़ करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, प्लांटर के अंदर जो होल होता है नीचे, वो होल को नहीं करते, मे भी कुछ जानबूझ के नहीं करते, या फिर रह जाता है। लेकिन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका रोज का काम है। और मैंने ये प्लास्टिक के प्लांटर लिए थे, तो मेरे दो जो प्लांटर थे इसमें बिल्कुल डैमेज हो गए। फिर जब मैंने दोबारा से इसमें सॉइल निकाल कर देखा, तो इसके नीचे अंदर जो होल नहीं हुआ हुआ था प्लांटर में, तो मैंने वो रिपोर्ट कर दिया दोबारा से उनको होल करके। अब ये देखिए, उनके साथ ही ये लिया था। जब मैंने इसे चेक किया, तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे जो होल वाली जगह है वो भी ब्लॉक है, उन्होंने होल नहीं कर रखा। पता नहीं ये मेरा प्लांटर कैसे सर्वाइव कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन
ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसमें दो दो साइडों में लेफ्ट और राइट साइड में होल के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन दोनों में होल यहाँ पे कोई भी एक भी होल नहीं है। तो आप जब भी प्लांटर लेते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए ध्यान से। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।